क्या बात है, आज भी सितारा से मुलाकात नहीं हुई? पक्षु बाबा, क्या मेरा चेहरा देखकर आपको यह अंदाजा हो जाता है? हाँ, सब कुछ साफ नजर आता है जी। क्या ये जो मोहब्बत मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं ना जी, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्यों बख्शु बाबा, क्यों? मुझे ये जोग जब रोग बनता है ना जी, तो बहुत रुलाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपको ये रोग लगे। मैंने इन हाथों से पाला जी आपको। मालकन ने मरते वक्त कहा था जी, बख्शु, मेरे आजाद को हर दुख से आजाद रखना। बख्शु बाबा, अब तो ये रोग मुस्तकिल तौर पर ही लग चुका है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं वो मिलने से पहले ही ना बिछड़ जाए मुझसे। फातिमा बता रही थी कि अब वो मिलने नहीं आएगी मुझसे। ये आपका दिल क्या कहता है जी? मेरा दिल कहता है कि वो आएगी। आज तो भूख के मारे ये मेरा सर खा जाएंगे। कौन अम्मा? ये ढोर डंगर और कौन? चल पुत्र सितारा, तू छोड़ इसको। क्यों? तू जा बासु के साथ और ढोर डंगरों के लिए चारा लेकर आ, मैं इसको दवाई दे दूंगी। उठ चल। नहीं नहीं अम्मा, इसको ना भेजी, वो अब्बा बोलेगा फिर। तेरे अब्बे को मैं देख लूंगी, कुछ नहीं होता। चल पुत्र जा, चल बासु जा अपनी बहन के साथ, जल्दी जल्दी फटाफट जा। अम्मा ठीक है, अम्मा फिक्र ना कर, हम आ जाएंगे। मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ, बैठ इधर। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोनों की तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे जरूर मिलेगी एक दिन। आजाद सही कहता था। आजाद बाबू, काफी टाइम हो गया जी, चलो घर चलें। अब वो नहीं आएगी? नहीं बख्शु बाबा, नहीं। मैं हवेली वापस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आज मैं सितारा से मुलाकात नहीं कर लूंगा। क्यों जिद कर रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों जिद कर रहा हूं। ले, वो आगे सितारा जी। जा बासु। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मेरी मोहब्बत बहुत मजबूत है, इतनी कमजोर नहीं है। इतनी अच्छी बात है, कौन सिखाता तुम्हें? मोहब्बत सिखाती है। सितारा, तुम्हारे गांव के सरदार आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा है, उसकी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दो। कब की डाल दी? लेकिन उस दिन तुमने इस बात का इकरार ही नहीं किया मेरे सामने। फिर तो मैं तंग कर रही थी। फातिमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई। अरे नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हें क्या इल्हाम होता है? शायद। शायद पता फातिमा मुझसे क्या कह रही थी? कि सितारा कभी नहीं आएगी अब मिलने। सितारा बीबी, सितारा बीबी, वो अक्रम आ गया जी। कहाँ?
आजा तुम जाओ जाओ। क्यों? तुम्हें नहीं पता वो बहुत बुरा इंसान है, घर जाके सब कुछ बता देगा, जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गांव का मालिक हूँ, मैं फेस करूंगा उसको, सामना अभी जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ। चलो आजा बाबू, चलो चलो जाओ, बाद में देखा जाए, तुम परेशान मत होना। देखा ला, मैं भी मदद करा दूं। क्या कर रहा है इस तरह? क्या कह रहा था सरदार? कुछ नहीं। अच्छा, तू इतनी देर से क्या चुप बैठा था तेरे साथ? अच्छा वो कह रहा था तेरा अब्बा क्या करता है और तू पढ़ी लिखी है कि नहीं। नौकरी लगवाना है उसने? पता नहीं मुझे। ए, बात सुन, इन लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगते, समझी? अच्छा ठीक है, तू जा। ऐसे कैसे चला जाऊं? साथ ही जाऊंगा तेरे। चल बासु। काम खत्म कर लिया तुमने? जी बेगम साहिबा। डस्टिंग तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं करती, सही करके किया करो काम। मलिक साहब आ गए, जाके खाना लगाओ। जी। आए आप। ये अदील घर में मुझे नजर नहीं आया कहीं। बाहर गया हुआ। कुछ बता के नहीं गया? नहीं, बस यही कह रहा था कि बाहर जा रहा हूँ। और तुमने पूछना भी गवारा नहीं किया कि कहाँ गया है वो? बड़ा हो गया है वो अब। तेरे इसी लाड ने बिगाड़ा है उसे, अब तो वो मुझे भी जवाब देने लगा है। मैंने उससे बात की है, आप उसे मजबूर ना करें, उसने मुझे बताया था। मैं उसका नौकर नहीं हूँ, इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया नहीं है कि उसकी जो मर्जी आए वो करता फिरे। अरे दो होते तो एक जो जी चाहे करता फिरता, ये मेरा इकलौता बेटा है, कल को उसे मेरी जगह लेनी है। इसी बात की तो फिक्र है कि एक ही बेटा है हमारा। जिस शान और शौकत के लिए लोग तरसते फिरते हैं, मैं उसे प्लेट में रख के दे रहा, मगर उसके नखरे खत्म नहीं होते। मैंने उसे समझाया था मगर वो उसे और समझाने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारे उस बुजदिल दूध का असर है कि वो डर के जीना चाहता है। मैंने उससे बात की है मगर वो आप समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अपने बेटे को समझा। अगर उसने मेरी नाक कटवाने की कोशिश की तो तू जानती है मैं बाप की बजाय मालिक दाद बनने में देर नहीं लगाऊंगा।